तो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड कुछ खास अपडेट। दोस्तों, अभी हाल ही में रूसो ब्रदर्स का इंटरव्यू हुआ था 28 नवंबर को। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रेलर से रिलेटेड, इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड, एवेंजर्स 4 से रिलेटेड। उसमें से एक क्वेश्चन और सामने आया था कि बेटर है बिल्कुल हम लोग ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। देखा गया था कि थॉर रैग्नारोक में बेटा वेरिएबल का एक ईस्टर एग देखने को मिला था। वो बड़ी सी जो ग्रैंड मास्टर की बिल्डिंग थी उसमें हल्क की भी फोटो थी या के स्टैचू था, बेटा वेरिएबल का भी स्टैचू था। लेकिन तो बाद में बेटा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देखने को मिला? तो उस पर रूसो ब्रदर्स ने कहा कि बेटा वेरिएबल उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर है बचपन से ही, लेकिन उन्होंने बेटा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बेटा वेरिएबल को किसी स्टोरी लाइन में फिट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब भी कोई नया कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होता है तो भी उसकी एक स्टोरी रहती है, बैक स्टोरी। वो बाद में स्टोरी को मिला के पूरी की पूरी फिल्म में इन्वॉल्व होकर स्टोरी को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी ब्लैक पैंथर का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन जब वो ब्लैक पैंथर का इंट्रोडक्शन हुआ था उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उस समय ब्लैक पैंथर के पिता टचाका की डेथ हो गई थी और जिससे विंटर सोल्जर का कनेक्शन था। ऐसे ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर बीच में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाता है तो यही सीधा केस सामने आता है बेटा वेरिएबल के ऊपर। बेटा वेरिएबल का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी खासा इन्फिनिटी वॉर में था नहीं, इसलिए रूसो ब्रदर्स ने बेटा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, रही बात फ्यूचर मार्वल फिल्म्स की, तो हो सकता है एक बार थॉर फिर साकार ग्रह पर जाए या हल्क एक बार फिर साकार ग्रह पर जाए तो हो सकता है बेटा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखने को एमसीयू में मिले। लेकिन अभी करेंटली बात करें तो ना तो हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला बेटा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, ना ही हमें एवेंजर्स 4 में देखने को मिलेगा बेटा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट, होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।